हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। म्यूजियम के अंदर मैं आ चुका हूं और यहां पर दो बंदे बड़ा सा छुरा लेकर के मेरे पास आ गए हैं। और यहां पर कीबोर्ड के कंट्रोल क्यों दिखा रहा है जबकि मैं ये, अरे तेरी यार, ये बहुत बड़ा छुरा है ये। और लेफ्ट स्टिक और वाई दबाएंगे तो टॉर्च देगा, मगर मुझे लग गया है इनका छुरा और मारता हूँ। दो ही बंदे हैं, दोनों को चक्कर आ चुका है। एक को तो मार दिया मैंने, दूसरा बचा है और इसका भी काम तमाम कर दिया है। तो प्यारे दोस्तों, ये है आर्कम सिटी और मुझे मिस्टर फ्रीज को ढूंढना है क्योंकि उसके पास इलाज है बीमारी का, जो कि जोकर ने मुझमें भी डाल दिया। ख़ुद तो बीमार था और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि उसने मेरे अंदर, बैटमैन के अंदर खून डाल दिया गंदा अपना। और अब बैटमैन को फौरन से इलाज ढूंढना है इससे पहले कि ये मारा जाए, मगर एक जगह है वहाँ जा नहीं पा रहा बैटमैन। सामने ग्रिल आ रही थी और ये इसने अपना क्रिप्टो ग्राफर कुछ चीज़ें से चेक करने की कोशिश कर रहा है कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा सामने का। मगर पेंगुइन कह रहा है कि हमने तुम्हारे सिग्नल जाम कर दिए हैं। अब बैटमैन को फौरन से वो चीज़ें ढूंढनी है जिसकी वजह से सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है। कम्युनिकेशन सारी बैटमैन की ख़राब हो गई है। अब ये ढूंढ रहा है कि कहाँ पे वो है। अच्छा जी, मैं बिल्डिंग से बाहर आ चुका हूँ और मुझे एक मशीन मिल चुकी है। ये वो मशीन है जिसकी वजह से बैटमैन की डिवाइसेस काम नहीं कर रही और लोकेशन किस चीज़ की सही पता नहीं चल रही। और यहाँ पर गुंडे हैं, मगर मुझे लग रहा है इनके पास वेपन नहीं था इसलिए मैं आराम से कूद गया इनसे लड़ने के लिए। और फिर इनसे लड़ने के बाद ये मशीन मैं ख़राब करूँगा। मगर यहाँ पर कुछ गन वाले, अबे गन उठा ली उस पीछे बंदे ने मुझे, उससे पहले कि वो मुझ पर फायर मारे। और यहाँ पर मैंने धुआं मार दिया ताकि लड़ने में मुझे आसानी हो और उन लोग को नज़र ना आए। ये वो बंदा था जो कि गन लिया हुआ था। बहुत सारे हैं, एक एक करके मारता हूँ मैं। लग लग वन पंच नॉकआउट कर रहा हूँ मैं वो गन वाला बंदा। अबे चल, ये ले लात खा। ये इसका मैंने काम तमाम किया। ये दो बंदे बचे हुए हैं, अब एक बंदा बचा है और ये हो गया भाई। यहाँ पे क्लियर हो गया है और ये वो डिस्टर्ब कर रहा है, डिसेबल कम्युनिकेशन डिस्टर्बर। अच्छा जी, डिस्टर्बर जो है इसको मैं तबाह कर रहा हूँ, मगर ये भी ख़राब नहीं हुआ। ऐसी तीनों तरफ से यहाँ तोड़ करके इसके तार वार खींच देने ताकि ये मशीन पूरी ख़राब हो जाए और बैटमैन फिर मिस्टर फ्रीज को ढूंढ सके। तो ये पहली डिवाइस तो ख़राब कर दी है। अब नई डिवाइस की लोकेशन आ रही है 112 मीटर, तो वहाँ तक चलते हैं। और ये यहाँ पे आ गया हूँ मैं, बिल्डिंग के ऊपर हूँ मैं और 14 मीटर नीचे। ये देखें, ये रही मशीन, मगर यहाँ पर जो बंदे इसकी पहरेदारी कर रहे हैं उनके पास गन है। अब मुझे मौका देख के छलांग लगानी है। ये मैं कूद गया हूँ, दो बंदे, दोनों को मैं मारता हूँ इससे पहले के, अबे एक का तो काम तमाम किया और मशीन को मैं ख़राब करना शुरू कर दिया मैंने। अरे नहीं, मगर यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ गए हैं गन लेकर के और मुझे इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये गोली चला रहे हैं, बैटमैन की हेल्थ बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। अरे नहीं भाई, यहाँ से तो कूदना ही पड़ेगा, मुझे भागना पड़ेगा। और मैं यहाँ से मैंने छलांग लगा दी, मेरी फ्यूल बहुत ज़्यादा कम हो गई, रेड में ऊपर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अगर ये बार ज़ीरो हो गई तो गेम फिर से रिस्टार्ट करना होगा। नीचे भी हुंडे खड़े हुए हैं, बुला रहे हैं, मगर उनसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इनके एक दो मुक्के भी लग गए तो बैटमैन मारा जाएगा। वापस से आ गया हूँ मैं यहाँ पे, ये वो ऊपर मशीन नज़र आ रही है आपको, रडार जो गोल गोल घूम रहा है। यहाँ पर अभी भी दो तीन बंदे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो होशियारी से जाना है। छुप छुपा के इनसे लड़ने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा हेल्थ है नहीं और बहुत देर से मैं लटका हुआ हूँ। ये बंदा ऊपर अगर आ जाए ना तो मैं इसको खींच के नीचे गिरा दूँ। ओ नो, नीचे वाला बंदा एक यहाँ पर आ गया गुंडा, ये मुझे देख ना ले, देख लेगा तो मसला हो जाएगा। वापस चला जा। ओ नो, उसने मुझे देख लिया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से सवाए इसके कि मैं भाग जाऊँ। और मैं डिटेक्टिव मोड में हूँ, ये मैंने विजन सही कर लिया। अब मुझे होशियारी से जाना पड़ेगा, ये स्मोक बॉम्ब मैंने मार दिया ताकि वो मुझे देख ना सकें, दूर से फायर ना कर दें। दोबारा चलते हैं और मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर एक बंदा नज़र आया और ये मैंने उसको पकड़ करके रेलिंग से और ये नीचे फांसी दे दी मैंने, इसको टांग से लटका दिया। और यहाँ पर मेरे पास मौका अच्छा है, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, तो मैं जल्दी से चलता हूँ और ये मशीन ख़राब करता हूँ। और ये दूसरी मशीन भी मैं ख़राब कर रहा हूँ और तीसरी मशीन अब मैं ढूँढूँगा
तो वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैंने तीसरी मशीन ढूंढी और फिर मैंने मिस्टर फ्रीज का पता लगाया कि नहीं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।